हेलो गाइस, तो आर्नो क्लासिक में सब ने ओपन डिवीजन की बात कर ली, बट बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने मेंस फिजिक को भी कवर करा। एंड आई थिंक गाइस, मेंस फिजिक की बात भी करना तीन रीजन से जरूरी है। पहला रीजन, लाइनअप में कई सारे एथलीट्स ऐसे थे जो लास्ट ईयर के आर्नो क्लासिक से रिपीट हो रहे थे, एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी कम्पेटिटिव। मतलब डियोगो और एरिन के बीच की बैटल, ऐसी बैटल तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। डियोगो वॉज डैम इम्प्रेसिव गाइस। ये देखिए कॉमन पेज पर, डियोगो इज द कैटेगरी, वेरी ड्रामेटिक, टुडे इज डियोगो माई फ्रेंड्स। इफ डियोगो वॉज अ चैंपियन, इट वुड बी सो deserved after his consistent career. He deserves the title. He is evolved too much. And next comment देखिए, if oil shoulder wins, I quit this category. Damn man, यहाँ तो सीधे सीधे सिंथॉल की बात हो रही है एडिन मैक्स के बारे में। Diogo in the front, one has harmony or the other disproportion. Let's see which category it is now. Man, सीधे सीधे लोग क्वेश्चन कर रहे थे इसी चीज को कि जजेस किस तरफ जाएंगे, because Diogo was very symmetrical and उनके proportions बहुत ज्यादा equal थे। Diogo has his back with more details and is a more harmonious physique. और गाइस, ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स डियोगो को प्रेफर कर रहे थे। द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर हु डिजर्व्स इट, इट हैज बिकम द फैक्ट दैट डियोगो शेप इज 100% प्रोपोर्शनल विदाउट एनी मसल, मोर और लेस टू बैलेंस्ड, वन कैन पोज स्ट्रेट द अदर कांट, वी ऑलरेडी नो हु हैज अ रियल वी, वी मतलब विक्ट्री गाइस। तो आई थिंक यहाँ इट्स वेरी क्लियर कि हर कोई डियोगो की फिजिक को प्रेफर कर रहा था। करेंगे आगे इसकी बात डिटेल में। एंड जो दूसरा पॉइंट है गाइस, वो है कि मेंस फिजिक का डिवीजन ब्राजील के एथलीट से भरा पड़ा था। आई मीन टॉप सिक्स में से चार एथलीट्स ब्राजील से हैं। एंड तीसरा रीजन, इस साल होने वाला जेरेमी बोंदिया का कमबैक, और इस डिवीजन को अगर अभी से कवर नहीं करेंगे, अभी से कम्पेटिटिव एज नहीं देखेंगे, तो वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट मिस हो जाएगा जब कमबैक का टाइम क्लोज आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक तरह से गाइस, ये हैं आपके सामने इस कॉल आउट में टॉप फाइव, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि इन टॉप फाइव में से, टॉप सिक्स में से कोई भी एक कंडीशनिंग का मार्क मिस कर रहा हो। दे ऑल वर लुकिंग सुपर गुड। अब आप देख लो इस टाइम पर जेरेमी कहां फिट बैठते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, इस कॉल आउट में से जजेस ने एरिन को बिल्कुल बीच में मूव कर दिया। उन्होंने फिक्स कर दिया था वहीं पर उन्हें पहले ही, और डियोगो को उनके नेक्स्ट। सो तभी पता लग गया था कि इट इज गोइंग टू बी बिटवीन डियोगो एंड एरिन, और यही होने वाले नंबर वन एंड नंबर टू। डैम, अभी बात करेंगे इनकी। दो पहले थोड़ा एक मोमेंटम बनाते हैं। सो नंबर सिक्स पर आया एडवन पाल्मेरा। जी हाँ गाइज, वही एडवन पाल्मेरा जिन्होंने ओलंपिया में अपने डेब्यू ईयर में ही टॉप फाइव में अपनी जगह बना ली थी। यहाँ इनकी फिजिक में एक इशू लग रहा था जो आई थिंक इनके सिक्स नंबर पर प्लेस होने का रीजन बना। इनकी वेस्ट मुझे यहाँ पर थोड़ी थिक लगी, आई डोंट नो, बट इस ओलंपिया से लेकर सिर्फ आर्नोल्ड क्लासिक के बीच में जो ये गैप रहा गाइस, उसमें इनकी वेस्ट का साइज काफी ज्यादा चेंज दिखाई दिया। अगर आप बैक पोजीशन में देखोगे तो आपको और ज्यादा रियलाइज होगा कि वो थिन वेस्ट, वी टेपर वाला फैक्टर ड्रास्टिकली इनका रिड्यूस लगा, और इसीलिए एडवन एक तरह से अपनी प्लेसिंग्स में गिरकर सिक्स पर चले गए। क्योंकि गाइस, इस लाइनअप में कई ऐसे एथलीट्स हैं जो ओलंपिया में 12th, 14th, 13th, 15th पर प्लेस हुए थे, और अब वो इनसे ऊपर प्लेस हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे काइके प्रो यानी कार्लोस डी ओलिवेरा की। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि जजेस को इनकी फिजिक क्यों समझ नहीं आती। आई सी नो वीकनेस गाइस, एक अमेजिंग एस्थेटिक्स होल्डर, और जजेस ने इन्हें मूव करा फिफ्थ प्लेस पर। बिल्कुल डाइल्ड इन, एब्सोल्युटली पीक्ड फ्रंट। इस बार कार्लोस साइज भी ऐड करके आए थे अपने फ्रेम पर, क्योंकि रिसेंटली उनको यही फीडबैक मिलता था कि आपका साइज कम है, और बैक से भी आप देखो तो एक अमेजिंग थिक बैक। 2019 जो इनका ओलंपिया में डेब्यू ईयर था, वहां ही प्लेस सिक्स्थ, देन 2020 में सेवंथ, 2021 में फिर से इन्होंने अपनी सिक्स प्लेस को हासिल करा, एंड फिर इस साल की तो क्या ही बात करें। इस साल के ओलंपिया में आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ जजेस ने इन्हें सीधा पुश कर दिया 15th प्लेस पर। 15th का मतलब है गाइस सिर्फ सीधे सीधे बाउंड्री पर। 16th प्लेस से इन्होंने सारी रैंकिंग जितने भी एथलीट्स है सबको 16th पर दिया उसके बाद। तो 15th एक ऐसा सेफ पोजीशन था जहां पे मतलब आपको जज करा गया है। आई मीन कैन यू बिलीव इट गाइस। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही रहा है कि इतने सारे एथलीट्स जब ये स्टेज पर ले आते हैं, 74 एथलीट्स, तो कहां तक एक ऑथेंटिक जस्टिफाइड लुक मिलेगा हर एक एथलीट को। क्योंकि कार्लोस की ये फिजिक एक बहुत ही ड्राई और सुपीरियर फिजिक है कंपेयर टू द अदर वंस। एंड बहुत सारे फैंस इस बात से भी बहुत ज्यादा नाखुश हैं कि कार्लोस ने इस सिमेट्री और शेप के साथ थर्ड प्लेस अपने नाम नहीं करा। फोर्थ प्लेस होल्डर बने विटोर चावेस। लास्ट ईयर का ओलंपिया इनका फर्स्ट ओलंपिया था, और वहां पर आउट ऑफ 74 एथलीट्स वाइटोर ने 13th प्लेस अपने नाम करी, और यहां पर सीधे फोर्थ प्लेस पर एंड अप कर गए। इनकी कंडीशनिंग और इनका फ्लो आउटस्टैंडिंग था, इनका शेप बहुत ही अच्छा है, प्लस आई थिंक ही इज वेरी वेरी यंग, इसीलिए इनकी फिजिक में एक फ्रेशनेस वाला एलिमेंट जो आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और बैक मैं प्रॉपर डायल थी, डाइस्ड एंड थिक, पता लग रहा था कितना ज्यादा हार्ड वर्क इस पे हो चुका है। और काव्स किसकी होती है मैन, इतनी खतरनाक, डैम, बहुत ही जबरदस्त काव्स के साथ विटोर ने एक अच्छी फिनिश करी अपने फर्स्ट ही आर्नोल्ड क्लासिक में। अभी ये न्यू ही है, और टाइम के साथ साथ जब मसल मैच्योरिटी आएगी इनकी फिजिक में और भी ज्यादा, तो ही ट्रूली इज गोइंग टू बी अ टॉप स्पॉट क्लोजर इन ओलंपिया। थर्ड प्लेस पर एंड अप करा इमैनुअल हंटर ने।
इमैनुअल हंटर से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इस बार भी सेकंड प्लेस पर एंड अप करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक में इमैनुअल की सेकंड प्लेस ही आई थी और एक काफी अच्छा पैकेज और एक अच्छी बैक के साथ एक चैलेंज प्रेजेंट करा था इमैनुअल ने एरिन बैंक्स के सामने। फिर ओलंपिया के स्टेज पर इमैनुअल उसे रिपीट कर ही नहीं पाए, इनकी कंसिस्टेंसी में थोड़ा इशू रहता है गाइस, और सीधे सीधे 12th प्लेस पर मूव हो गए। यहाँ पर आर्नोल्ड क्लासिक में मुझे पर्सनली ये थोड़े से सॉफ्टर लगे कंपेयर टू द टॉप टू। एंड डियोगो ने इस साल इतनी इंप्रूवमेंट्स कर ली थी कि जजेस के पास कोई भी रीजन था ही नहीं उन्हें 3rd प्लेस पर मूव करने का। एनहांस इमैनुअल, सब 1 and 2 के लिए देखते हैं। ये देखिए फ्रंट रिलैक्स्ड एंड मैन डियोगो इज जस्ट शाइनिंग एंड शाइनिंग एंड शाइनिंग। मतलब एरिन बैंक्स मोर ऑर लेस ओलंपिया वाले पैकेज के साथ हैं, बट डियोगो लोग क्रेजी हो गए थे यहाँ पर डियोगो को देखकर। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि डियोगो की फिजिक और हमेशा उनकी ऐसी ऊपर प्लेसिंग क्यों होती है समझ नहीं आता, बट ऑनेस्टली गाइज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कोर। मैच फिजिक सिर्फ अच्छे एप्स होना या ना होना डिफाइन नहीं करता, बल्कि सिमेट्री देखिए इस पूरे लाइनअप में डियोगो जैसी सिमेट्री कोई होल्ड नहीं कर रहा था पूरे लाइनअप में, नॉट इवन एरिन बैंक्स गाइज। जिस तरह से फ्रंट रिलैक्स में डियोगो पूरे सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, डियोगो इज वन ऑफ द वेरी फ्यू जो इतने गट्स रखते हैं कि ऐसे फ्रंट से पोज कर सकें। एंड ऑनेस्टली गाइस जब डियोगो ये फ्रंट पोज हिट करते हैं अपने हैंड्स हिप्स पर रखकर, इट डेफिनेटली सो एस्थेटिक एंड सो सिमेट्रिकल, सुपरमैन पोज, कोई भी इम्बैलेंस नहीं दिखता गाइस। पूरी बॉडी का फ्लो देखो, हर एक प्रपोर्शन देख लो, ऑलमोस्ट हर एक एथलीट थोड़ा टिल्ट होता है और साइड टर्न करके फ्रंट पोस्ट हिट करता है। बट आई थिंक इस शो में डियोगो ने एक्चुअल में काफी स्ट्रॉन्ग बैटल करी एरिन बैंक्स से एंड एक्चुअल में कई लोगों को अपना फैन बना लिया। बहुत सारे लोग मुझ समेत प्रेफर करते हैं डियोगो की लाइंस, डियोगो के प्रोपोर्शंस, डियोगो का फ्रेम, डियोगो की सिमेट्री एरिन बैंक्स के ऊपर। एंड गाइस नॉट मैनी कैन हैव दिस कम्प्लीट ऑफ अ फिजिक। डियोगो 2022 ओलंपिया 3rd प्लेस, 2022 आर्नोल्ड क्लासिक 3rd प्लेस। डियोगो ने इस बार तो अपने एप्स पर भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी थी और एक ग्रेटर एक्सटेंट तक वो डीपली सेपरेटेड और क्लीनर लग रहे थे। एंड नाउ 2023 आर्नोल्ड क्लासिक 2nd प्लेस बीटिंग इमैनुअल हंटर। एरिन बैंक्स को तो लोगों ने बहुत ट्रोल भी करा क्योंकि वन हिज प्रोपोर्शंस वर नॉट एज गुड एज डियोगो, जैसे आप इनकी बैक पोजीशन में देख सकते हो एरिन के शोल्डर्स। और यहाँ डोंट गेट कंफ्यूज गाइस, देखिए ये शोल्डर कितना ज्यादा डेवलप्ड है दूसरे शोल्डर से। एंड मेंस फिजिक इज ऑल अबाउट सिमेट्री प्रोपोर्शंस एज वेल। बहुत सारे लोग एरिन के शोल्डर्स को सस्पिशियस मानते हैं दैट ही यूजेस सिंथॉल। अब इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ये तो नहीं लगता, क्योंकि कई जगह पर ट्रांजिशंस के दौरान और पोजिंग के दौरान एरिन के शोल्डर्स की स्ट्राइशंस या फाइबर्स विजिबल हो रहे थे और आपका मसल सिंथॉल के केस में वैसा नहीं दिखता। तो इट्स जस्ट माय ओपिनियन, बट एज इट इज सेड गाइस, शोज आर वॉन फ्रॉम द बैक। एंड बैक से अगर हम शोल्डर्स को एक रिमूव करके आगे बात करें तो यस, एरिन इज वेरी डोमिनेटिंग एंड आई थिंक ऐसा बहुत मुश्किल है कि बैक से एरिन को कोई बीट कर सकता है। इट्स जस्ट ये करा जा सकता है कि फ्रंट से आप एरिन को बीट कर दो एंड बैक से जो आप एरिन से हारो तो उसकी मार्जिन कम कर दो ताकि ओवरऑल आप जीत जाओ। बट राइट नाउ एरिन बैंक्स इज आर 2 times आर्नोल्ड क्लासिक विनर एंड एरिन की वेस्ट और मिड सेक्शन तो इज डैम। ये देखिए कॉम्पिटिशन से कुछ दिन पहले की एरिन की अपडेट, जहां एरिन की वेस्ट आप देख सकते हो 27.5 inches। कैन यू इमेजिन गाइस कितना कम होता है ये। एंड जो अच्छा है वो तो है ही गाइस, उस बारे में तो मैं बात करना ही चाहूंगा, बट मैं बस जो बीच में कह रहा था आपसे वो बात थी प्रोपोर्शंस की, सिमेट्री की और एक बैलेंस की, जो अनडाउटेडली सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि एक वास्ट मेजॉरिटी को डियोगो होल्ड करते हुए दिखे। और स्कोर कार्ड पर अगर बात करें तो स्कोर कार्ड पर तो जजेस ने यहाँ पर भी मैक्सिमम 5 का पहाड़ा पढ़ लिया है, नो एफर्ट्स व्हाटसोएवर। या तो आप परफेक्ट हो या आप वर्स हो, देयर इज नो इन बिटवीन फॉर जजेस, ब्लैक एंड व्हाइट करके बैठे जजेस तो बिल्कुल। तो आई होप गाइज ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, भाई को अपने ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।